अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं कीमा पेटिस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी भी बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं कीमा पेटिस। तो सबसे पहले मैं पैन पर मस्टर्ड ऑयल लिया है और तेल गर्म हो चुका है, तो मैं अभी चॉप प्याज डाल रही हूँ और हरी मिर्ची डाल रही हूँ और इसे लाइट ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई करना है, भूनना है। तो अभी देखिए लाइट ब्राउन हो चुका है, तो अभी मैं चॉप टमाटर डाल रही हूँ और टमाटर डालने के बाद मैं अभी एक टेबल चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट डालूँगी और 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप नमक अपने हिसाब से डालें और 1 मिनट तक इसे मैं भूनूंगी। उसके बाद मैं अभी चॉप कैप्सिकम डाल रही हूँ और कैप्सिकम डालने के बाद मैं अभी कीमा डालने वाली हूँ। तो अभी मैं कीमा डाल रही हूँ। कीमा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर 10 मिनट तक इसे ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो अभी मैं ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये देखिए 10 मिनट बाद कीमा में जो पानी निकला था कीमा से, तो अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है, तो इसे पूरी तरह से सुखाना है, तो मैं और 5 मिनट तक पकाऊंगी। देखिए 5 मिनट बाद अभी कीमा बिल्कुल तैयार है, पानी बिल्कुल सूख चुका है और तेल निकल रहा है, तो अभी कीमा बिल्कुल तैयार है। तो अभी मैं कीमा एक साइड पर रख दूंगी और पेटिस की तैयारी करूंगी। तो पेटिस के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, मैदा लिया है और थोड़ा सा नमक मिला रही हूँ, 1 टेबल चम्मच बेकिंग पाउडर मिला लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं 3 टेबल चम्मच रिफाइंड ऑयल मिलाऊंगी। तो रिफाइंड तेल मिलाने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिला के एक स्मूथ डो तैयार करूंगी। डो ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं, मीडियम टाइप की एक स्मूथ डो तैयार करना है। तो अभी मैंने डो तैयार कर लिया है और इसे मैं अभी 15 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी। अभी 15 मिनट के बाद डो को थोड़ा सा अपने हाथ से मसलना है थोड़ा सा, और मसलने के बाद मीडियम साइज़ की बॉल तैयार करके मैं पूरी बनाऊंगी। इसी तरह मीडियम शेप की बॉल बना के अभी मैं पूरी ओवल शेप की पूरी तैयार किया है अभी, और अभी मैं जो स्टेप कर रही हूँ आप इसे फॉलो करें। इसी तरह साइड से काटना है और बीच में ज़्यादा जगह रखना है क्योंकि स्टफिंग बीच में ही होगा। तो मैं अभी कीमा भर रही हूँ बीच में। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें वेज डाल सकते हैं, आलू सब्जी कोई भी सब्जी, आलू मटर गाजर कोई भी सब्जी इसमें भर सकते हैं और इसी तरह बिल्कुल पेटिस को तैयार कर सकते हैं। तो अभी बिल्कुल इसी तरह स्टेप फॉलो करें, हर शेप में जैसे कर रही हूँ उसी स्टेप को आप फॉलो करें और ये पेटिस देखने में बिल्कुल एक फ़िश की तरह दिखेगा। ये देखिए बिल्कुल एक फ़िश की तरह हो गया है और बीच में अभी मैं टेल को भी बिल्कुल शेप फिश की शेप दे रही हूँ तेल को भी। तो अभी भी बिल्कुल तैयार है ये पेटिस, बिल्कुल इसी तरह सारे पेटिस तैयार कर लेना है। तो अभी मैंने तैयार कर लिया है पेटिस और अभी मैं एक अंडा बीट कर लिया है और
पेटिस के ऊपर मैं अभी ब्रश कर रही हूँ अंडा, और ब्रश करने के बाद इसे बेक करना है लाइट ब्राउन होने तक, 200 डिग्री पर बेक करना है। तो ये देखिए बेक करने के बाद बिल्कुल इसी तरह होगा पेटिस, ये भी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।